कीचड़ों से गुजरते हैं नौनिहाल स्कूली बच्चे। रात के स्कूली बच्चे कीचड़ से होकर जाते हैं स्कूल। आखिर जिम्मेदारों की नजर क्यों नहीं पड़ रही इस रास्ते में? बुजुर्गों को आने जाने में होती है भारी दिक्कत। स्वच्छ भारत अभियान का पलीता लगता दिखा गांव में। बजबजाती नालियों के कारण रोगों से संक्रमित लोगों को हो सकती है बीमारियां। बुजुर्गों को पानी भरने के लिए कीचड़ से होकर जाना पड़ता है दूर। मामला जनपद कौशाम्बी के सिराथू तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत बमरोहली के मजरा केशवापुर का है, जहां पर गांव की गलियों में कीचड़ होने की वजह से स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को आने जाने में दिक्कतों का सामना झेलना पड़ता है। गांव की बजबजा रही नालियां किसी भी समय नौनिहाल बच्चे और बुजुर्ग महामारी का शिकार हो सकते हैं। लोगों की माने तो सफाई कर्मी गांव में कभी दिखाई ही नहीं देते। क्या नाम है आपका? रोबित। ये नाली यहाँ सड़क नहीं बनी क्या जहाँ खड़े हो? नहीं। तो बरसात में पानी भरा रहता का? हाँ। तो कैसे इसमें आप खेलते हो क्या पानी में? हाँ। गिर भी जाते हैं? हाँ। कौन सा गांव है ये? दीपांशु जी, आप स्कूल जा रहे हैं? यस सर। किस स्कूल में पढ़ते हैं? एसबीपी कॉन्वेंट। तो आपके घर के पास से जो रास्ता है अच्छा है खराब है? खराब। तो इस रास्ते में पानी भर जाता बरसात में क्या? यस सर। तो स्कूल कैसे जाते हैं? फिसल जाते हैं। फिसल के गिर जाते हैं? तो ये कितने दिन से खराब है? बहुत दिनों से कि पहले? अभी अभी दो साल से। दो साल से प्रधान ने कोई काम नहीं कराया? नो सर। क्या नाम है आपका? कौन सा गांव है ये? चाचा, ये कौन सा गांव है? केशवापुर। ये आप गांव में नाली में बहुत पानी भरा है? अरे आज कल साल से यहाँ चार पांच साल हुआ थे, ऊपर है दसन साल समझो, तब से इस नाली की सफाई नहीं हुई। सफाई यानी जब से बनी तभी से इसकी सफाई नहीं? हाँ, सफाई नहीं। तो सफाई कर्मी कभी दिखाई देता यहाँ? कहीं नहीं, कभी नहीं। और गांव में जो आपके यहाँ पानी वानी पीने की सुविधा है, नल खराब कैसी है? नल बिल्कुल खराब है, पानी की बहुत परेशानी है। 300-400 मीटर दूर से पानी आता है हमारे गांव। तो 300-400 मीटर से दूर से लाते हैं तो पानी पीने में भी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है। ठंडी का सीजन में गर्म पानी पीना चाहिए तो ठंडा मिल रहा है, ठंडा पीने के लिए मजबूर हैं आप लोग। ये बताइए कि जैसे पानी आप दूर से लाते हैं तो ये हैंडपंप की शिकायत किसी से किया कि हमारे यहाँ का हैंडपंप बिगड़ा हुआ है? प्रधान से तो प्रधान से जब इसके लिए तो बोर्ड की शिकायत की गई है तो प्रधान ने कोई नहीं सुनी आप लोगों की? नहीं सर, कुछ नहीं। क्या नाम आप चाचा? पन्ना लाल। पानी कहाँ से लेके आ रही हैं आप? और इस बुढ़ापे में भी आप पानी दूर लेने जाती हैं? जब जहाँ मिला थे तहाँ से ले आई। तो प्रधान ने जो है आपके गांव का बम्बा नहीं बनवाया? नहीं बनवाया। और ये नाली की सफाई उफाई भी नहीं कराता? कुछ नहीं, कुछ नहीं। सफाई कर्मी कभी आता है? क्या नाम है चाची आपका? नाम क्या है? अरे हमारा नाम पूछा था। हाँ बता दे थोड़ा सा। बता दो, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत का है कि हाँ बताओ। हमारा राम सखी नाम है। राम सखी नाम है। यहाँ गांव में कभी सफाई भी नहीं होती? और आपको कुछ पेंशन वेंशन मिलती है कि नहीं मिलती है? कुछ नहीं। कोई पेंशन नहीं मिलती? नहीं। और घर और आपका कैसा है? अरे वो घर है यार बना है, गिर गया है। कच्चा पक्का जो उन्हें तो प्रधान ये गांव कॉलोनी लोनी नहीं दिया। भैया नाम क्या आपका? महेंद्र कुमार त्रिपाठी। त्रिपाठी जी ये बताइए जहाँ पे आप खड़े हैं ये आपके घर के दरवाजे के सामने से सड़क है और नाली भी है, इसकी क्या व्यवस्था है? यहाँ साहब ना खरिंजा है कोई ना नाली है। हमारी उम्र करीब 45 साल है तब से यहाँ ना कोई खरिंजा है ना कोई नाली है ना कोई प्रधान यहाँ पे ध्यान देता है बनवाने के लिए। तो ये मतलब चालू रास्ता, इससे बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं? हाँ बच्चे जाते हैं, बारिश में पानी भरा रहता है, आने जाने में पैर फिसलता है, बच्चे गिरते हैं। तो प्रधान से आप लोगों ने कहा? अब प्रधान से साहब आते हैं देखते हैं, अब उनको खुद चाहिए। अरे अभी दिखाया नहीं है आप। तो सफाई कर्मी भी नहीं? सफाई कर्मी साहब कोई नहीं आता यहाँ। क्या नाम सर आपका? महेंद्र कुमार त्रिपाठी।
प्रधान कौन है यहाँ का? प्रधान यहाँ के हैं नियामक।